कोई चांद से मोहब्बत करता है, कोई सूरज से मोहब्बत करता है, हम उनसे मोहब्बत करते हैं जो दिन रात पढ़ाई करता है। हेलो फ्रेंड्स, जीके भाई गुरप्रीत सर यूट्यूब चैनल में आप सभी स्टूडेंट्स का मैं गुरप्रीत दिल से स्वागत करता हूँ। पिछली वीडियो में आपका बहुत प्यार मिला, बहुत सारे बच्चों ने ग्रुप में वीडियो को शेयर किया और वीडियो का लिंक अपने स्टेटस पे लगाया। फिर आज हम इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर हमारी चल रही थी, आज हम फरवरी की करंट अफेयर करने वाले हैं, जहां से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्या करने वाले हैं आज हम? फरवरी, हरियाणा की फरवरी की करंट अफेयर करने वाले हैं भी, जहां से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कोशिश रहेगी फरवरी से क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और अपने YouTube चैनल को ऊंचाइयों पर लेकर जाना आपका काम रहेगा भी। सबसे पहले जो क्वेश्चन बन जाता है आर्यभट्ट से बन जाता है। किससे बन जाता है? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट से क्वेश्चन क्या बन जाता है भी? आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र, आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र, विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, कहाँ पर बनाया जाएगा? तो आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र हरियाणा का जिला अंबाला, जहाँ पर वर्षा सबसे ज़्यादा होती है जिले में, वहाँ पर आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र स्थापित किया जाएगा, बनाया जाएगा। और इसका जो काम है, कार्य है, जो चल रहा है, वो लगभग दिसंबर 2022 तक पूरा हो जाएगा। इसका जो काम चल रहा है पूरा कब तक हो जाएगा? दिसंबर 2022 तक, 20 नहीं 2022 तक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्लियर हुआ? इंपोर्टेंट में डाल लेना, एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर फरवरी की करंट अफेयर कर लेते हैं तो 1 फरवरी से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है भी। 1 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो मृत्यु दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? मृत्यु दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि कल्पना चावला का तो आपने नाम सुना होगा, कल्पना चावला के बारे में आपने पढ़ा होगा। कल्पना चावला, कल्पना चावला, कल्पना चावला का जन्म कहाँ पर हुआ था? हरियाणा के जिला करनाल में हुआ था, सीएम सिटी में इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? और 1961 में बताया जा रहा है, 1/7/1961 को इनका जन्म हुआ। और मृत्यु कब हो जाती है दोस्तों? तो हम कैसे याद करते हैं? 1, 2, 3 को याद करते हैं। 1, 2, 3, 2003 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन हम करंट अफेयर पढ़ रहे हैं उसी हिसाब से हम पढ़ने वाले हैं। क्या हुआ? 1 फरवरी को मृत्यु दिवस मनाया जाता है। किसके? कल्पना चावला। कल्पना चावला कहाँ की रहने वाली थी? करनाल की रहने वाली थी, सीएम सिटी की रहने वाली थी। क्लियर हुआ? एग्जाम के अंदर क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है भी। नेक्स्ट जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राज्य सत्रीय, क्या पूछा जा सकता है? राज्य सत्रीय निर्भय अवार्ड दिए गए भी। क्या दिए गए हैं? निर्भय अवार्ड। अब इनमें से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? राज्य सत्रीय निर्भय अवार्ड कब दिए गए हैं और किसको दिए जाएंगे, ये बात आ जाती है दोस्तों। तो 1 फरवरी को दिए गए हैं, 1 फरवरी को दिए गए हैं। कहाँ पर दिए गए हैं? तो हरियाणा के जिला जींद में दिए गए हैं। हरियाणा की कितनी बेटियों को दिए गए हैं? तो 45 बेटियों को दिए गए हैं। कितनी बेटियों को दिए गए हैं? 45 बेटियों को दिए गए। आसान से क्वेश्चन रहेंगे। अगर वीडियो दो बार देख लिया, पिछली वीडियो भी आपने देखते रहना है। जो स्टूडेंट्स का एच टेट का एग्जाम है, हरियाणा पुलिस का एग्जाम है, ग्राम सचिव का एग्जाम है, हरियाणा पटवारी का एग्जाम है, मैं एक एग्जाम को लेकर नहीं पढ़ाता कभी भी जिंदगी में। किसी का एच टेट का एग्जाम आने वाला है, उस एग्जाम को देखकर नहीं पढ़ाता मैं। हरियाणा के हर एग्जाम के लिए डिटेल से पढ़ाने की पूरी कोशिश करता हूँ। राज्य स्तरीय निर्भय अवार्ड 1 फरवरी को दिए गए, कहाँ पर? जींद में। कितनी बेटियों को दिए गए? 45 बेटियों को दिए गए। इस तरह आप बड़ी आसानी से ही याद इसको कर सकते हो भी। उसके बाद एक हरियाणा सरकार ने एक ऐप लॉन्च की है। कौन सी ऐप लॉन्च की है दोस्तों? शिक्षा सेतु ऐप, मोस्ट इम्पोर्टेंट में डाल लेना, शिक्षा सेतु ऐप किसने लॉन्च की है? तो हरियाणा सरकार ने लॉन्च की है। क्लियर है? पूछा जा सकता है हरियाणा सरकार ने शिक्षा की नीति के लिए कौन सी ऐप लॉन्च की है,
तो शिक्षा सेतु ऐप लॉन्च की है किसने की है, हरियाणा ने की है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भी। उसके बाद बिजली रथ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किससे पूछा जा सकता है, बिजली रथ। बिजली रथ मैंने तो नहीं देखा, आपने देखा हो सकता है, तो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है भी बिजली रथ से। जो बिजली निगम हरियाणा में कहां से शुरुआत की गई थी, जो बिजली निगम हरियाणा ने सोनीपत से कहां से शुरुआत की थी, गन्नौर। गन्नौर का आपने नाम सुना होगा, गन्नौर। गन्नौर कहां पर आता है, हरियाणा के जिला सोनीपत में आता है, हरियाणा के जिला सोनीपत में आता है। बिजली रथ कहां से शुरुआत की थी, गन्नौर सोनीपत से की थी। इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो 14 फरवरी 2020 को की गई थी। कब की गई थी, 14 फरवरी 2020 को इसकी शुरुआत की गई थी। किसकी, बिजली रथ की शुरुआत की गई थी। क्लियर हुआ, हो सकता है एग्जामिनर इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब हरियाणा में मेडिकल कॉलेज भी बनाए जाएंगे, भी क्या बनाए जाएंगे, मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे, तो इससे भी एग्जाम के अंदर हो सकता है क्वेश्चन पूछा जाए। हरियाणा के कितने जिलों में बनाए जाएंगे, तो 3 जिलों में बनाए जाएंगे मेडिकल कॉलेज। इसमें 3 जिले कौन कौन से होंगे, एक तो हरियाणा का जिला सिरसा जो पश्चिम दिशा में आता है, इसके साथ साथ कैथल में बनाया जाएगा, और कहाँ पर बनाया जाएगा, यमुना नगर में बनाया जाएगा। कहाँ पर बनाया जाएगा, यमुना नगर में बनाया जाएगा। सीधे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, मेडिकल कॉलेज कितने बनाए जाएंगे, तो 3 बनाए जाएंगे। कहाँ पर, सिरसा, कैथल, यमुना नगर। क्लियर हुआ, आसान से क्वेश्चन है दोस्तों, ये पढ़ने में बहुत आसान रहेंगे। 2 बार वीडियो देख ली तो करंट अफेयर से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो गलत नहीं होगा आपका, ये मेरा आपसे विश्वास रखना। करंट अफेयर से क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, जितनी आपको करंट अफेयर करवाने वाला हूँ। ये कब तक खुल जाएंगे, कब तक बन के तैयार हो जाएंगे, 2023 तक बनकर तैयार हो जाएंगे। कब तक दोस्तों, 2023 तक बनकर ये तैयार हो जाएंगे। क्लियर हुआ, जहां तक एग्जाम के अंदर जहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे भी। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, किसान मजदूर कैंटीन से बन जाता है। किससे बन जाता है, किसान मजदूर कैंटीन से क्वेश्चन बन जाता है भी। क्या क्वेश्चन बनेगा, जो किसान मजदूर कैंटीन कहां पर खोली जा रही है। सबसे पहले जो हरियाणा की पहली जो कैंटीन किसान मजदूर कैंटीन खोली गई थी, कहां पर खोली गई थी, वो करनाल में खोली गई थी। कहां पर खोली गई थी, करनाल में खोली गई थी, करनाल की नई सब्जी मंडी में खोली गई थी। कहां पर, नई सब्जी मंडी में खोली गई थी करनाल की। कब खोली गई थी करनाल में, तो 29 तारीख थी। कितनी तारीख थी, 29 तारीख थी, दिसंबर का महीना था, 29 दिसंबर, तो 2019 को। याद कर सकते हो बड़ी आसानी से, जो किसान मजदूर कंटीन पहली कहां पर, करनाल में खोली गई थी, सीएम सिटी में खोली गई थी, नई सब्जी मंडी में खोली गई थी। कब, 29 दिसंबर 2019 को खोली गई थी। अब किसान मजदूर कंटीन है, हम कह सकते हैं दूसरी कंटीन, क्योंकि ये हरियाणा की लगभग 25 मंडियों में खोली जानी थी और खोली भी जा चुकी होगी। दूसरी कंटीन जो खोली गई है, कहाँ पर खोली गई है, वो पंचकूला में खोली गई है। कहाँ पर खोली गई है दोस्तों, पंचकूला। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हरियाणा की जो दूसरी किसान मजदूर कंटीन है कहां पर खोली गई है, वो पंचकूला में खोली जाएगी। इसमें क्या होता है दोस्तों, किसान को किसी तरह की परेशानी ना हो, मात्र 10 रुपये में खाना मिल जाता है, थाली मिल जाती है। किसान मंडियों में जाते हैं, सारा दिन भूखे मर जाते हैं। कई किसान तो घर से खाना लेके जाते हैं, कई मेरे जैसे होते हैं किसान, वो खाना घर से नहीं लेके जाते, लेकिन उनके लिए मंडियों में ये कंटीन खोली जा रही है। किसान के लिए मात्र 10 रुपये में थाली पेट भर खाना खा सकता है। क्लियर हुआ, कभी खाई तो नहीं, अगर खाई तो आपको जरूर बताएंगे इस तरह की, उस दिन वीडियो भी बना लेंगे भी एक। नेक्स्ट जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 5000 साल पुरानी क्या पूछा जा सकता है, 5000 साल पुरानी पुरानी एक हड़प्पा सभ्यता कालीन हड़प्पा हड़प्पा कालीन
5000 साल पुरानी हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। अभी कहाँ से मिले हैं? कालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? अभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट में डाल लेना। तो कहाँ से मिले हैं? तो आपने कभी इसका नाम तो नहीं सुना होगा, शायद पहली बार सुन रहे होंगे भाई। तिंगडाना, तिंगडाना, तिंगडाना कहाँ पर है दोस्तों? तिंगडाना कहाँ पर है? भिवानी जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है? भिवानी जिले में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, 5000 साल पुरानी हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो तिंगडाना से मिले हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इसी के अंदर और बात करें, जो फरवरी महीने में मिला है, अभी वो भी एक धातु का चिन्ह मिला है, कहाँ से मिला है? यही क्लियर कर देते हैं, एक धातु का चिन्ह मिला भी, धातु का चिन्ह, धातु का चिन्ह आपसे पूछा जा सकता है, धातु का चिन्ह कहाँ से मिला है? तो आपने नाम सुना होगा बट्टू बुआन। क्या नाम सुना होगा आपने? बट्टू बुआन गांव है एक, बट्टू बुआन गांव है। किस जिले का गांव है दोस्तों? ये है फतेहाबाद। किस जिले का गांव है? फतेहाबाद जिले का गांव है। जहां से भी एक धातु का चिन्ह मिला है, ये भी दोस्तों 5000 साल पुराना बताया जा रहा है। कितने साल? 5000 साल पुराना बताया जा रहा है। और इसका वजन है वो कितना है? लगभग 2 किलो के आसपास है, 2 किलो के आसपास इसका वजन बताया जा रहा है। क्लियर हुआ? वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी, मेहनत आप कर रहे होगे, मेहनत तो आपकी रंग लाएगी, हम तो आपको पढ़ा सकते हैं, रिजल्ट आपका ही आएगा, नौकरी आपको ही मिलनी है। हम तो क्या कर सकते हैं, आपकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपके लिए वीडियो बना सकते हैं, एग्जाम के आने वाले क्वेश्चन बता सकते हैं, क्योंकि पढ़ना आपको पड़ेगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, और अपना जो साथी हैं वो भी आपके साथ ही पढ़े रहें। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भी वीडियो को लाइक और शेयर करना भी काम आपका ही रहेगा। उद्योग भवन बनाया गया है, उद्योग भवन बनाया गया, क्योंकि अगर वीडियो सब्सक्राइबर ज्यादा होंगे दोस्तों तो आपके सामने लाइव वीडियो लेकर आएंगे, फिर आपको करंट अफेयर 1 साल की एकदम इकट्ठी करवा देंगे, उस बात की चिंता मत करना। अब अगर इकट्ठी करवाता हूँ करंट अफेयर तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर स्टूडेंट्स देखते भी नहीं, छोटी वीडियो को जल्दी देख लेते हैं। उद्योग भवन बनाया जाएगा, कहाँ पर बनाया जाएगा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मानसा देवी कॉम्प्लेक्स, मानसा देवी कॉम्प्लेक्स में बनाया जाएगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। कॉम्प्लेक्स में बनाया जाएगा भी, बनाया जाएगा। तो ये कहां पर आता है दोस्तों? पंचकुला में। कहां पर आता है? हरियाणा के जिला पंचकुला में आता है मानसा देवी कॉम्प्लेक्स। कब बनाया जाएगा दोस्तों? कब इसका बनाया गया? ये बना दिया गया है, लेकिन इसका उद्घाटन 7 फरवरी 2020 को, इसका उद्घाटन 7 फरवरी 2020 को इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? जो हरियाणा के डिप्टी सीएम है, हरियाणा के डिप्टी सीएम है, कौन है भी? दुष्यंत चौटाला। कौन है? दुष्यंत चौटाला के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। दुष्यंत चौटाला के द्वारा किस भवन का उद्घाटन किया गया है? तो उद्योग भवन का उद्घाटन किया गया, कहां पर? मानसा देवी कॉम्प्लेक्स में बनाया गया। मानसा देवी कॉम्प्लेक्स कहां पर है? हरियाणा के जिला अंबाला में स्थित है। और एक बार नवाड़ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी नवाड़, नवाड़ ने एक योजना बनाई है, उस योजना में क्या लाभ मिलने वाला है 2020 में? हरियाणा को कुछ राशि दी जाएगी, हरियाणा को उस योजना में क्या दी जाएगी? राशि दी जाएगी, जो नवाड़ से बने प्रोजेक्ट होते हैं उनमें काम करने के लिए, वो राशि कितनी दी जाएगी दोस्तों? इस तरह याद कर सकते हैं, 1,46,733 करोड़। क्लियर हुआ? तो हम कह सकते हैं 1,46,733 करोड़ रुपए की राशि दी जा रही है हरियाणा को। किसकी? किसके द्वारा? नवाड़ के द्वारा। क्लियर है? किसके द्वारा? नवाड़ के द्वारा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एक और बनने वाला है भी, द एयर एक्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 1981 द एयर एक्ट 1981 पुस्तक का विमोचन किया गया है। किसका? पुस्तक का विमोचन किया गया है। इसका विमोचन किसके द्वारा किया गया है? जो हरियाणा के सीएम है
मनोहर लाल खट्टर, मनोहर लाल खट्टर इनके द्वारा इसका विमोचन किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है भी। उसके बाद भी कांच के छत वाली, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कांच के छत वाली ट्रेन चलाई गई है भी। कांच के छत वाली ट्रेन चलाई गई है, कहां से कहां तक चलाई गई है। आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाए उसका राइट आंसर आप करके आ जाए, आपको एक नंबर मिल जाए, उस एक नंबर से आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। कांच के छत वाली ट्रेन कहां से चलाई जा रही है, तो कहां पर चलेगी भी, हरियाणा में चलेगी, तो थोड़े दिन ही चल सकती है क्योंकि हरियाणा वाले तो तोड़ फोड़ भी जल्दी कर देते हैं भी। कांच के छत वाली ट्रेन जो चल रही है दोस्तों वो कालका, कालका, कालका से शिमला, कालका से शिमला, कालका तो गए हैं, उसके आगे छोटी गाड़ी चलती है, छोटी डिब्बे आपने देखे होंगे, कालका से शिमले चलाई जा रही है भी। इसमें लगभग 7 डिब्बे होंगे, कितने डिब्बे होंगे, 7 डिब्बे होंगे। इसका जो किराया होगा दोस्तों वो 600 रुपये होगा, इसका जो किराया है कालका से शिमले तक का 600 रुपये है, 7 डिब्बे होंगे, और ये 6 घंटे में पूछा जा सकता है, 6 घंटे में कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगी, 6 घंटे में 96 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। कौन, कांच के छत वाली जो ट्रेन है वो कहाँ से कहाँ तक, कालका से शिमला तक चलाई गई है। और इसका अगर नाम पूछा जाए क्या हो सकता है, विस्टा डोम कोच ट्रेन है, क्या नाम है इसका, विस्टा डोम कोच ट्रेन, कोच ट्रेन है। क्लियर हुआ, एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं और आने वाले एग्जाम के अंदर क्वेश्चन जहां से पूछे जाएंगे भी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है भी उसको भी पढ़ लेते हैं, फरवरी महीने से जो बन जाता है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आएगा वही आपको करवाने वाला हूं। हाँ, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा अभी बटन मशरूम से, किससे बनेगा, बटन मशरूम से क्वेश्चन बनेगा। एग्जाम के अंदर इसका आंसर तो आप बड़ी आसानी से दे सकते हो, बटन मशरूम के लिए हरियाणा का कौन सा जिला प्रथम पर रहा उत्पादन में, तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा, सोनीपत रहेगा भी। सोनीपत में सबसे ज्यादा होती है बटन मशरूम, तो सोनीपत ही रहेगा, हरियाणा में सबसे ज्यादा हो रहा है किसका उत्पादन भाई, बटन मशरूम का हो रहा है, किस जिले में हो रहा है, तो सोनीपत में हो रहा है। इसके ऊपर हरियाणा सरकार 40% की सब्सिडी भी देती है, क्या देती है, 40% की सब्सिडी भी देती है, ये भी इसकी बात ध्यान रखना, नोट करते रहना एग्जाम के साथ साथ। उसके बाद भी जो हरियाणा सरकार ने एक नीति अपनाई है, जो पर्वतरोही होंगे, पर्वतरोही, पर्वतरोही, पर्वतरोहियों के लिए, पर्वतरोहियों के लिए एक नीति बनाई गई है सरकार के द्वारा, जो पर्वतरोही होते हैं वो नीति बनाई गई है सरकार के द्वारा, उसमें क्या क्या दिया जाएगा भी। एक तो 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा, 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। एक उनको ग्रेड सी का प्रमाण पत्र दिया जाएगा, सर्टिफिकेट दिया जाएगा भी। और उसके अलावा क्या दिया जाएगा, खेल कोटे से संबंधित, जो खेल कोटे के तहत सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए उसको बहुत सारे फायदे मिलने वाले हैं, जो खेल कोटे में स्टूडेंट्स लगते हैं उनको सरकारी नौकरी में प्राप्तता मिलेगी बहुत, किससे मिलेगी, ग्रेड सी प्रमाण पत्र से मिलेगी। और पर्वतरोहियों के लिए हरियाणा सरकार ने 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार भी दिया जाएगा। क्लियर हुआ, एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है भी। नेक्स्ट अगर बात करें जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए बन सकता है भी एग्जाम के अंदर, बजट, बजट से तो क्वेश्चन बनेंगे ही, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके लिए नया क्वेश्चन बन सकता है भी, और तो गोल्ड, गोल्ड मेडल से क्वेश्चन बन सकते हैं आपसे, और तो क्वेश्चन नहीं बनने वाला, लेकिन हाँ एक क्वेश्चन और पूछ लेता आपसे, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है भी। राष्ट्रीय डेयरी मेला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेयरी मेला, राष्ट्रीय डेयरी मेला
डेरी मिला कहाँ पर लगाया गया, कब लगाया गया, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी ये कब लगाया गया था, 15 से 17 फरवरी के बीच लगाया गया, 15 से 17 फरवरी तक लगाया गया राष्ट्रीय डेयरी मेला। तो कहाँ पर लगाया जाएगा, हरियाणा के करनाल जिले में लगाया जाएगा। कहाँ पर लगाया गया, हरियाणा के करनाल जिले में लगाया गया। इसमें दोस्तों मुर्रा नस्ल की सबसे सुंदर भैंस बताई गई है, मुर्रा नस्ल की सबसे सुंदर, हाँ मुर्रा नस्ल की रानी सबसे सुंदर है, रानी उस भैंस का क्या नाम था, रानी, रानी भैंस को सबसे सुंदर बताया गया किस मेले में, डेयरी, राष्ट्रीय डेयरी मेले में। और 51 लाख रुपए की राशि भी दी गई है उसने। 58 लीटर दूध देने वाली जो दादूपुर की प्रथम गाया, दादूपुर की प्रथम गाया भी पूछे जा सकते हैं, जिसने 58 लीटर की दूध दिया भी। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, जो लाल डोरा मुक्त गांव हुए हैं, लाल डोरा मुक्त जो गांव हुए हैं, लाल डोरा मुक्त गांव कौन सा था, सिरसी, सिरसी गांव कहाँ का था भाई, कोई कमेंट्स करके बता सकता है। चलो ये बता देना, आपको पहले पढ़ाया हुआ है, लाल डोरा मुक्त जो गांव है सिरसी कहाँ का गांव है। लेकिन अब हरियाणा के 8800 गांव, टोटल कितने हैं, 8841 हैं, लेकिन 8800 गांव लाल डोरा मुक्त किए जाएंगे, ये हरियाणा सरकार ने घोषणा की है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनने वाला है भी। और नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे, खुश रहना, पढ़ते रहना, वीडियो को लाइक और शेयर करना, और अपने व्हाट्सअप स्टेटस पे जरूर वीडियो को लगाना। थैंक यू दोस्तों, खुश रहा करो, पढ़ते रहा करो, मुस्कुराते रहा करो, और अपने YouTube चैनल की वीडियो देखते रहा करो। बाय बाय, टेक केयर।